विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मुगलकालीन स्थापत्य कला कर रहे थे हम लोग, ठीक है। आज हमने जहांगीर के समय की क्या करनी है, स्थापत्य कला करनी है। जहांगीर जैसा कि आपको बताया है, उसकी ज्यादा रुचि किसमें थी, चित्रकारी में थी, है ना। एक अवसर पर उसने कहा था कि मेरे सामने आप कोई चित्र ले आइए जिसके हाथ किसी ने बनाए हो, पैर किसी ने बनाए हो, आंखें किसी ने बनाई हो। तो इतना बड़ा पारखी था वो कि वो उसने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि हाथ किसने बनाए, नाक किसने बनाई, आंखें किसने बनाए, पैर किसने बनाए। तो चित्रकला का पारखी किसे माना जाता, जहांगीर को, ठीक है। फिर भी उसके समय में थोड़ा स्थापत्य का देख लेते हैं। तो एक आपको पता होगा अकबर का मकबरा पता है कहाँ है, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा, आगरा के निकट पड़ता है सिकंदरा, है ना। तो इसकी योजना तो अकबर ने ही बनाई थी भाई, लेकिन निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। 5 मंजिला पिरामिड के आकार का मकबरा है। कितने मंजिला है, 5 मंजिला है, ये याद रखना है। पिरामिड के आकार का है, ये भी याद रखना है। सबसे ऊपरी मंजिल जो है पूर्णता संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई, संगमरमर से बनी हुई है। अब देखिए ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे क्या होगा कि मुझे आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यह 5 मंजिल जैसे होते ही है। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल पर जाना है, सिकंदरा अकबर के मकबरे को क्या करना है, देखना है। आज बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स उसके होंगे उसमें, उसको चेक करेंगे आप तो और अच्छा लगेगा आपको पढ़ना। 5 मंजिला है, पिरामिड के आकार का है, ऊपरी मंजिल पूर्णता संगमरमर से बनी हुई है। इस मकबरे की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका गुंबद विहीन होना। आप इस मकबरे को देखेंगे तो कैसा है, ये गुंबद विहीन है, इसके ऊपर क्या नहीं है, गुंबद दिख रहा है। और बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, लग रहा है भाई आपको, ताजमहल देखने की आदत, आपको क्या बोलते हैं, जामा मस्जिद देखने की आदत, या आपने अभी तक जितने भी देखे सब में गुंबद देखे, है ना। लेकिन ये गुंबद विहीन है, ठीक है। बलुआ पत्थरों से बना हुआ है ये मकबरा, किससे बना है, इसका दरवाजा जो है क्या, बलुआ पत्थरों से बना मकबरे का दरवाजा एवं संगमरमर से बनी 4 सुंदर मीनारे हैं जो इससे पूर्व देखने को नहीं मिलती हैं। यह पूरा मकबरा एक सुव्यवस्थित उद्यान के बीच में विशाल चबूतरे पर स्थित है। कहां पर स्थित है, विशाल चबूतरे पर स्थित है। अब क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि जहांगीर के समय का सबसे उल्लेखनीय इमारत कौन सी है। तो जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत क्या है, एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला नूर जहां का पापा, मिर्जा गयास बेग जिसका नाम था, ठीक है, उसी को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। तो एतमादुद्दौला का मकबरा, चतुर्भुजाकार मकबरा, बेदाग सफेद संगमरमर से बना, ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। आपको यह पता होना चाहिए कि ताजमहल से पहले अगर किसी बिल्डिंग पर, किसी मुगलकालीन बिल्डिंग पर संगमरमर का प्रयोग हुआ ढंग से, तो वो हुआ एतमादुद्दौला के मकबरे पर। क्या भाई, नूरजहां का पापा था, ससुर जी थे किसके, जहांगीर के, उनके मकबरे पर क्या किया गया, बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया, और बहुत बड़े स्तर पर किया गया। तो बेदाग सफेद संगमरमर से बना ऐसा पहला मकबरा जिसमें बड़े पैमाने पर क्या हुआ, संगमरमर का प्रयोग किया गया, ठीक है। और यही एक ऐसा मकबरा है जिसमें सबसे पहले पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया। ताजमहल में बाद में हुआ प्रयोग किस पर, पेट्रा ड्यूरा मतलब संगमरमर पर प्रीसियस स्टोन जड़ने की कला होती है। मैंने आपको बताया कि आप जब ताजमहल को देखोगे तो आपको लगेगा अंगूर की बेले है, क्या है, लेकिन बेले नहीं है वो क्या है, आयतें हैं, कुरान की आयतें, ठीक है। उसको लिखी गई है किस पर, पेट्रा ड्यूरा के माध्यम से, है ना, फूलों वाली आकृति में कीमती पत्थरों और बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट बोलते हैं का प्रयोग मिलता है, हो गया। एक बार पहले वैसे पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग उदयपुर राजस्थान के गोल मंडल में 1600 ईस्वी में किया जा चुका था, पर बड़े स्तर पर नहीं किया गया था। कहां पर, उदयपुर राजस्थान के गोल मंडल में पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया जा चुका था, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं किया गया, बड़े स्तर पर एतमादुद्दौला के मकबरे पर ही किया गया, ठीक है। जहांगीर के शासन काल में उसका मकबरा खुद का जो है
वो कहाँ पर बना? लाहौर में। लाहौर में कहाँ? शादरा में। शादरा में कहाँ? रावी नदी के तट पर। लाहौर जो है वो किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। रावी का वैदिक नाम परुषणी है ना, पढ़ा होगा आपने वैदिक उसमें कि 10 राज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? आंसर रावी नदी के तट पर हुआ। याद आया एंशंट का? रावी नदी के या परुषणी नदी के तट पर हुआ। 10 राजा कौन थे? पुरु, यदु, अनु, त्रुवस, द्रुहा, अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विशालिन। 5 आर्य जातियां थी, 5 अनार्य जातियां थी। दूसरी तरफ से राजा सुदास था। राजा सुदास ने इन सबको हरा दिया। बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रावी नदी के तट पर लाहौर है, लाहौर में शादरा है, शादरा में जहांगीर का मकबरा है। इतना समझ में आ गया? इसके अधिकांश भाग का निर्माण जहांगीर की मृत्यु के बाद नूर जहां ने करवाया था। किसने? कार्यक्रम शुरू हो चुका था जहांगीर के समय में ही, मतलब बुनियाद जो होती होंगी, जो है ना कुर्सी जो बनती है पहले नीचे, लेकिन जो अधिकांश निर्माण है वो किसने करवाया? आंसर नूर जहां ने करवाया। आपको पता ही है नूर जहां को खुर्रम शाहजहां ने क्या पेंशन देकर कहां भेज दिया था? लाहौर भेज दिया था, है ना। कहा था मम्मी अब वहीं रहो आप, जब तक आप यहां रहोगी तो मेरा क्या है दिक्कत है। चलो, जहांगीर के शासनकाल के अंतिम तथा शाहजहां के शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में निर्मित दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा। कौन कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसने किसका? तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। वैसे पूछ रहा हूं मैं कि कौन अब्दुल रहीम खाने खाना? बैरम खां का बेटा। आपको पता ही है अकबर ने बैरम खां को 3 क्या दिए थे? 3 ऑप्शन रखे थे। उसने कहा था मैं हज यात्रा जा रहा हूँ भाई, उसको पता चल गया था मेरा अंत क्या निश्चित है, क्योंकि वो क्या था? शिया था, अकबर सुन्नी था। अकबर भी क्या कर रहा था? पल्ला छुड़ाना चाह रहा था बैरम खां से। बैरम खां ने हज यात्रा पे जाऊंगा, वहां गया, उसकी हत्या करवा दी गई, पता ही है आपको, ठीक है। उसकी वाइफ जो थी उससे विवाह कर लिया अकबर ने, और उसके बेटे को पुत्रवत संरक्षण दिया। यही आगे चलकर अब्दुल रहीम खाने खाना बना, ठीक है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना अब मरा भाई, तो जहांगीर के समय में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा जो न्यूनाधिक रूप से हुमायूं के मकबरे की प्रतिकृति है। किसकी प्रतिकृति है? हुमायूं के मकबरे की प्रतिकृति, अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है ना। कुछ मामलों में इससे ताजमहल का पूर्वाभास भी होता है। क्या होता है? ताजमहल का पूर्वाभास होता है। ऐसा देखने पर ऐसा लगता है जैसे ताजमहल जैसा ही है। हुमायूं का मकबरा भी ताजमहल, मतलब ताजमहल जो हुमायूं के मकबरे की नकल है, और अच्छी नकल अगर आप बोलेंगे तो अब्दुल रहीम खाने खाना के मकबरे की नकल है कौन? ताजमहल। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। जहांगीर ने कश्मीर के प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना की। कश्मीर में एक शालीमार बाग है, वो किसने स्थापित करवाया? आंसर जहांगीर ने स्थापित करवाया, ठीक है। उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया। अरे भाई, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में पैदा हुआ था सलीम। उसका पापा उसे सलीम ही बोला करता था, शेखू बाबा का कहता था। क्या कहता था? बाद में बनाओ जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या कर दिया? लाल पत्थर हटवाया और क्या करवा दिया? संगमरमर लगवा दिया, ठीक है। पैसा ज्यादा होता है ना, करता रहता आदमी, क्या कभी ये बदल कभी वो बदल, है ना। चलो, शालीमार बाग में भी लिखा हुआ भाई, वो फिरदौसी की एक किताब है शाहनामा, उसमें लिखा हुआ है कि क्या, अगर फिरदौस दर रूबी जमीन अस्त हमी अस्त हमी अस्तु हमी अस्तु, बता रखा था मैंने, वो यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद शाहजहां का टाइम आता है भाई। शाहजहां आपको पता ही है, शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? आंसर शाहजहां के काल को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया? अरे जामा मस्जिद बनाई दिल्ली की, सबसे बड़ी मस्जिद भारत की। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? जामा मस्जिद। किसने बनवाई? सबसे बड़ा लाल किला शाहजहां ने बनाया शाहजहानाबाद में, है ना। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया आगरा का, है ना, ठीक है। जामा मस्जिद इसने बनवाई। पहली मस्जिद किसने बनवाई थी भारत में? पहली मस्जिद का नाम क्या था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कहाँ? मेहरौली। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अगर पूछेगा पहली मस्जिद किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। कौन सी बनाई? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई। सबसे बड़ी मस्जिद किसने बनवाई? आंसर शाहजहां ने बनवाई। कहाँ बनवाई? दिल्ली में बनवाई, ठीक है।
तो वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है भाई? शाहजहां के समय को कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह काल संगमरमर के प्रयोग का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। यद्यपि जहांगीर के ससुर जी एतमादुद्दौला के मकबरे पर बहुत ज्यादा संगमरमर का प्रयोग हो चुका था पहला, लेकिन जो ज्यादा संगमरमर का प्रयोग किया वो किसने किया? शाहजहां ने किया। और ताजमहल तो पूरा संगमरमर का बना हुआ, बेदाग संगमरमर। मथुरा रिफाइनरी बंद करनी पड़ी उसके चक्कर में। रिफाइनरी समझते हो, जहाँ क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, रिफाइन किया जाता है। तो उसकी वजह से ताजमहल का रंग क्या पड़ रहा था? पीला पड़ रहा था। कुछ लोगों ने ऐसी शिकायत की तो उसको रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। किसको? मथुरा रिफाइनरी को। इतना समझ में आ गया। ताजमहल एक और शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाह रहा था, पता है आपको? काला ताजमहल। यमुना के इस तरफ सफेद ताजमहल, यमुना के उस तरफ काला ताजमहल। तब तक आपको पता ही है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। काला ताजमहल की योजना क्या हो गई? वहीं रह गई। आज भी वहां पत्थर पड़े हैं कि क्या है, लोग उठा के ले गए होंगे, लेकिन मैंने काफी हद तक वहां पे दिखता है कि सर्वे हो चुका था कि यहां पर भी एक काला ताजमहल बनना है। वो दरअसल स्वर्ग का उद्यान बनाना चाह रहा था, जन्नत नहीं बोलते जिसको, जन्नत टाइप का कुछ बनाना चाह रहा था वो, ऐसा है ना। ठीक है भाई। इस काल में संगमरमर जो था वो जोधपुर के मकराना नामक स्थान से मिलता था, जो वृत्ताकार कटाई के लिए अधिक उपयुक्त होता था। कैसा? मकराना का मार्बल सुना है ना, बेदाग मार्बल होता है, बड़ा प्रसिद्ध मार्बल होता है मकराना का। इटालियन मार्बल भी होता है एक, अच्छा बड़ा सुंदर होता है इटालियन मार्बल। ठीक है, जब कभी आप अपना मकान बनाओगे तो देखना कि कौन सा मार्बल लगाना है। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ भाई? इस काल में प्रमुख विशेषताएं क्या थी? नक्काशी युक्त या पर्णिला मेहराबे, फॉलिएटेड आर्चेज तथा बंगाली शैली में मुड़े हुए कंगूरे और जंगले के खंभे आदि आदि, ये इस समय की क्या थी? विशेषताएं थी। तो शाहजहांकालीन आगरे में निर्मित इमारतें बता देता हूं मैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जो कि इतिहासकार हैं, एल श्रीवास्तव, उन्होंने कहा है शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा है। तो पूछेगा स्वर्णकाल किसने कहा? आंसर एल श्रीवास्तव ने कहा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा। आगरे के किले में आपको पता है दीवाने आम संगमरमर से बनी शाहजहां के काल में पहली इमारत थी। आगरा के किले में जो दीवाने आम है 1627 में, वो पहली इमारत है शाहजहां के समय की। शाहजहां के समय की पहली इमारत कौन सी है? दीवाने आम आगरा। दीवाने आम दीवाने खास मैंने कहा दिल्ली के लाल किले में भी है, दिल्ली नहीं लगाना है, आगरा के दीवाने आम पहली इमारत है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दीवाने खास तथा मोती मस्जिद संगमरमर से निर्मित अन्य प्रसिद्ध इमारतें हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर बोलेगा आगरा की मोती मस्जिद तब आपने बोलना शाहजहांकालीन है, लेकिन अगर बोलेगा दिल्ली की मोती मस्जिद जो कि लाल किले के बगल में, तब आपने बोलना औरंगजेब। तब क्या बोलना है आपने? औरंगजेब। औरंगजेब ज़्यादा नहीं बना पाया, लेकिन जो उसने बनाया उसकी जो बड़ी कृतियों में मतलब जो बड़े स्ट्रक्चर माने जाते हैं वो एक मोती मस्जिद मानी जाती है, एक रबिया दुर्रानी का मकबरा औरंगाबाद माना जाता है, बीबी का मकबरा। ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं बना पाया। पता ही है कि जो बड़े साम्राज्य पर शासन करेगा उसके समय में क्या होंगे? विद्रोह भी होंगे। विद्रोह होंगे तो विद्रोह दबाने जाना पड़ेगा, और विद्रोह दबाने दक्षिण भारत जाता है वो, और उसकी कब्रिस्तान कब्रगाह सिद्ध होता है क्या? दक्षिण भारत। ये पता है औरंगजेब परेशान रहा, और फिर जिसके समय में शिवाजी जैसे लोग हों परेशान तो रहेगा ही आदमी। और शिवाजी के भी वंशज ऐसे नहीं थे कि चुपचाप बैठ गए हों। शिवाजी की मृत्यु हुई कब? 1680 में। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ गए हों। शिवाजी का फिर बेटा, फिर उसके बाद अगला बेटा राजा राम, फिर अगली उनकी बहू कौन? ताराबाई। सब ने टक्कर दी किसको? औरंगजेब को, है ना। ठीक है जी, इसके अतिरिक्त भाई शीश महल, खास महल आगरे के किले में बने नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद आगरे के किले में, नगीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आदि पत्थरों से निर्मित अन्य प्रमुख इमारतें हैं। ठीक है, मोती मस्जिद अपनी पवित्रता एवं चारुता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थी। यह आगरे की सभी इमारतों में सबसे सुंदर और आकर्षक है। यह शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी है। तो मोती मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद किसके समय बनी? आंसर शाहजहां के समय बनी। और पूरी की पूरी किससे बनी हुई? संगमरमर से बनी हुई। किससे बनी हुई? संगमरमर से बनी हुई भाई। ठीक है, शाहजहां के काल में एक अन्य इमारत आगरे की जामी मस्जिद, जामा मस्जिद या जामी मस्जिद बोल सकते हो आप, आगरे की जामी मस्जिद
जिसे मस्जिद जहानामा कहा जाता है, इसे शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जहां आरा ने। कौन सी मस्जिद बनाई? मस्जिद जहानुमा जहानामा, मस्जिद जहानामा या जामी मस्जिद, मस्जिद जहानामा या जामी मस्जिद। फिर आगे दिल्ली की इमारतें, दिल्ली में क्या क्या बनवाया आपको पता है? अब इसको डेट याद करनी पड़ेगी आपको यहाँ। क्या? 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया। कब किया? 1638 में। 1648 में पूरा हुआ और इसी समय मुगल राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। अब राजधानी बनी भाई 10 साल लग गए 1638 से 1648। शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी 1648 दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका निर्माण 1648 में पूर्ण हुआ। 1648 में पूर्ण हो गया था। किसका? किसका? लाल किला। इसका वैसे वास्तविक नाम है किलाए मुबारक। क्या नाम है? ये यूपीएससी ने पूछा कभी किलाए मुबारक वास्तविक नाम क्या है? आंसर, लाल किले का वास्तविक नाम किलाए मुबारक है। क्या है? किला ए मुबारक। ठीक है। 1 करोड़ की लागत से बनने वाला, 1 करोड़ रुपए का बना उस जमाने में। किस जमाने में? 1648 में। ये 1924 चल रहा, अब तो करोड़ रुपए के बन जा रहे हैं मकान, लोग बना दे रहे हैं। लेकिन मैंने कहा उस समय का 1 करोड़ लगभग, इस समय का कम से कम 1000 करोड़। उस समय का 1 करोड़ लगभग इस समय का 1000 करोड़। कितना? इतना होगा लगभग, या 100 करोड़ के आसपास होगा। तो भाई 1 करोड़ की लागत से बनने वाला लाल किला हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ था। इसका काम, हमीद अहमद का नाम याद करना है आपने। इस किले की पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा। तो लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा, पश्चिम की तरफ लाहौर पड़ता है इसलिए पश्चिम की तरफ लाहौरी दरवाजा, और दक्षिण की तरफ दिल्ली पड़ता था इसलिए दिल्ली दरवाजा दक्षिण द्वार। इतना क्लियर हो गया। हमीद अहमद का नाम याद रखना है, अहमद हमीद या हमीद अहमद, कोई भी नाम याद कर लो, हमीद अहमद ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन है? शिल्पकार है। किसका? लाल किले का या किला ए मुबारक का। याद हो गया। दिल्ली के किले में निर्मित दीवाने आम की विशेषता थी कि इसके पीछे की दीवार में बनाए कोस्ट में प्रत्येक बने कुछ चित्रों पर यूरोपीय शिल्पकला का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त दीवाने आम में स्थित रंग महल का जाली में न्याय की तराजू में भी यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। कोस्ट में बने कुछ चित्रों का विषय फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल याद है, लेडी विद द लैम्प। क्रीमिया युद्ध चल रहा था, नर्सिंग के पेशे को जो बहुत पॉपुलर करने वाली जो महिला थी वो कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, लेडी विद द लैम्प कहा जाता है उन्हें। क्रीमिया कहाँ पड़ता है? क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है। क्रीमिया किसका पार्ट है? अरे भाई यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कृपया क्रीमिया पहले। रूस ने क्या किया? क्रीमिया को तो कैप्चर किया। किसको कैप्चर किया? ब्लैक सी में। किसमें? ब्लैक सी में एक पार्ट पड़ता है, एक पेनिनसुलर टाइप है क्रीमिया, जो कि किसका पार्ट है? यूक्रेन का। पहले उसने क्रीमिया को कैप्चर किया रूस ने। तो क्या किया गया कि G8 से हटा दिया गया रूस को, फिर वो बन गया ग्रुप ऑफ 7, पता है? तो क्रीमिया की वजह से हटाया गया था उसको। यहीं की थी वो, क्रीमिया युद्ध में ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद फिर यूक्रेन आपको पता ही है। कहां है राजधानी यूक्रेन की? कीव। किस नदी के तट पर है? बस फंस गए फिर। नीपर, डी से स्टार्ट होती है उसकी स्पेलिंग। डनीपर मत बोलना, नीपर बोलना। क्या बोलना यार? इतना तो याद करो, करंट में पूछेगा क्वेश्चन आपसे, है ना? रूस की तो पता है, रूस की राजधानी कहाँ है? हाँ, मॉस्को। किस नदी के तट पर है? मस्कोवा, मस्कोवा नदी के तट पर है। ठीक है, चलो इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियो देखिए। कौन से? मैप रीडिंग वाले। वर्ल्ड मैप करा रखा मैंने, इंडिया मैप करा रखा, उसको देखो ढंग से, सब क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, दीवाने खास, दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास की एक विशेषता है कि इसकी छत पर चांदी की, इसकी अंदर की छत क्या चांदी की बनी है। देखो भाई, पहले बताया जाता है कि लाल किले की पूरी छत जो ऊपर थी ना, जैसे पीओपी करते हो आप, वैसे पहले पूरा चांदी लगा हुआ था कि
तो लेटर मुगल्स ने क्या किया कि उनको शराब पीनी थी, नाच गान देखना था, पैसा कम पड़ा, उन्होंने चांदी खुड़वा दी पूरी, क्या करवा दी, बल्कि बताते हैं कहीं कहीं पर सोना भी लगा हुआ था। तो ये विलासिता इतनी खतरनाक होती है कि इस विलासिता के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपने बाप दादाओं की जागीरों को बेच बाज के, है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत कृतम ऋणवा कृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरम जन्म कुतः। इसकी फिलॉसफी है चारवाक की, चारवाक की फिलॉसफी है जब तक जियो घी पियो, उधार लेके भी पीना पड़े तो भी पियो, क्योंकि मरने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, है ना, कुछ शेष नहीं रह जाता लेकिन नाम खराब हो जाता है। क्या होता है, आने वाली पीढ़ियों को उसी नाम से याद किया जाता है। किस नाम से, देखो सुब्रतो रॉय का लड़का है, देखो वो क्या नाम है, किसका लड़का है भाई, कौन भागा था वो पीएनबी का पैसा लेके, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, उनके वंश में जो भी होंगे अब उनकी पहचान वही है, चाहे वो ब्रिटेन में रहे चाहे वो कहीं भी रहे। और बड़ी चीज क्या होती है जानते हो सकता है उसने आनंद ले लिया हो, घी पी लिया हो उधार लेके, लेकिन क्या होता है आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं उसको। अगर किसी ने गद्दारी की होगी ना कभी इस देश के साथ, तो आज भी हम नहीं जानते उन लोगों को, लेकिन आज भी बोलते होंगे कि जयचंद के परिवार से है ये, आज भी बच्चों के नाम जयचंद नहीं रखता है कोई, आज भी कोई अपनी बेटी का नाम क्या कहीं नहीं रखता है, मंथरा नहीं रखता है, रावण रखता है क्या कोई है? मेघनाद रखता है, नहीं रखता है, मतलब नाम ही, सिखों में लाल सिंह नहीं रखते हैं कभी नाम, क्या नहीं रखते हैं, लाल सिंह नहीं रखते हैं, क्योंकि सिख आंग्ल सिख युद्ध जब हो रहे थे तो एक गद्दार था उनमें लाल सिंह, उसने गद्दारी कर दी, तो लाल सिंह नहीं रखते हैं सिखों में नाम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से क्या हो, शर्मिंदगी हो। भाई हर कोई क्या नाम रखना चाहता है, क्या नाम रखना चाहता है, हर एक माता चाहती है कि कन्हैया राम, यही तो रखना चाहता है। तो ऐसा कुछ करो भाई, ठीक है। तो भाई ये लिखा हुआ, भाई दीवाने खास में लिखा हुआ है कि गर फिरदौस रूमी दर रूबी जमीनस्त हमीअस्तु हमीअस्तु हमीअस्तु, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है ना। अमीर खुसरो ने भी दिल्ली की सड़कों की तुलना स्वर्ग से की है भाई। किसने, अमीर खुसरो जानते हो कौन है? अमीर खुसरो वही तोता ए हिंद, हिंद का तोता। जन्म कहाँ हुआ था अमीर खुसरो का? पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, है ना, उसकी जो लास्ट पुस्तक थी उसका नाम था तुगलकनामा। क्या नाम था? उसने और बहुत सारी किताबें लिखी थी, है ना, कौन कौन सी लिखी थी, खजाइनुल फतूह लिखी थी अमीर खुसरो ने, बस्त बिहिस्त लिखी थी बस्त बिहिस्त, खजाइनुल फतूह लिखी थी उसने, लैला व मजनू लिखी थी उसने, देवल रानी व खिजर खान लिखी थी, बहुत सारी किताबें लिखी थी। किसने, अमीर खुसरो ने। लेकिन उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वह है तुगलकनामा। कौन सी? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी था वो अमीर खुसरो, कई शासकों का शासनकाल देखा था उसने। और किसका शिष्य था अमीर खुसरो भाई, किसका शिष्य था? दिल्ली में महबूब इलाही, इलाही के जो महबूब निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था कौन? अमीर खुसरो। हद तपे सो औलिया बेहद सो हो पीर, हद बेहद दोनों तपे ताको नाम फकीर, है ना। तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, इसीलिए निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की जो कब्र है वो अगल बगल है। कहाँ पे है? अगल बगल है। और अब जब बसंत पंचमी आएगी तो वहां पर आपको निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर एक संगीत कार्यक्रम दिखाई देगा, सूफियाना संगीत चलता है, और उसमें सारे मुस्लिम लोग जो है पीले कपड़े पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? पीले कपड़े पहन के आते हैं। उसको देखना, उस संगीत समारोह का नाम क्या होता है वो भी बताना मेरे को, ठीक है। चलो।
शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले के पास जामा मस्जिद का निर्माण करवाया भाई। किसका? 1648 में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण और मेहराबे बनी है। सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की। जामा मस्जिद की मुख्य विशेषता इसका विशाल द्वार, ऊंची मीनारे और गुंबद है, ठीक है। ताजमहल आपको पता ही है, ताजमहल शाहजहांकालीन वास्तुकला का चरम दृष्टांत, आगरे में यमुना नदी के तट पर निर्मित उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम का मकबरा है, ठीक है। 22 वर्षों में 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। 1 करोड़ का तो लाल किला बना दिया अगले ने, क्या बना दिया, 50 लाख रुपए की उसने वहां मक्का मदीना में कुछ भेंट कर दिया, मशाल सोने की पता नहीं कुछ ऐसा भेंट की। 9 करोड़ का उसने ताजमहल बना दिया यार, गजब है। 10 करोड़ तो यही हो गए, 10.5 करोड़ कितने है ना, 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया, 22 वर्ष लगे भाई इसे बनने में, क्या बने। इसका जो स्थापत्यकार था उस्ताद अहमद लाहौरी था। स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका नाम याद करना पड़ेगा। और शाहजहां ने इसको नादिरुल असर की उपाधि प्रदान की थी। जो स्थापत्यकार था, आर्किटेक्ट था, जो उस्ताद अहमद लाहौरी, क्योंकि लाहौर का रहने वाला होगा तो उस्ताद अहमद लाहौरी, नादिर उल असर की उपाधि दी। क्या दी? और इसका जो प्रधान मिस्त्री और निर्माता था वो उस्ताद ईसा था। कहा जाता है कि इसके हाथ कटवा दिए थे शाहजहां ने, कि दोबारा तू ऐसी कृति ना बना पाए। पता नहीं सच है कि झूठ है, इतिहास में तो कुछ ऐसा है नहीं, वहां पर काटे होंगे है ना। छोटे बड़े राजकुमारों की हत्या करके जो गद्दी पर बैठा हो उसे किसी मिस्त्री के हाथ काटने में क्या जा रहा है, अपने भाई बंधुओं के हत्या करके तो बना था शाहजहां। तो उस्ताद ईसा था भाई, क्या प्रधान मिस्त्री जो था या निर्माता जो था वो कौन था? ईसा खां, ठीक है। लेनपुल ने ताजमहल के बारे में लिखा, ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की और निर्माण स्वर्णकारों ने किया। किसने किया? निर्माण स्वर्णकारों ने किया। इसी प्रकार हावेल ने भी कहा है कि भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा कहा है किसको? ताजमहल को। यहां से क्वेश्चन बना है, भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा किसने कहा? आंसर, हावेल ने कहा। यह एक ऐसा महान आदर्श विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित है। किसने कहा? हावेल ने कहा। ताजमहल में फारसी और भारतीय शैली का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इसी कारण विंसेंट ए स्मिथ महोदय ने इसे यूरोपीय और एशियाई प्रतिभा का सम्मिश्रण की उपज बताया है। यह मकबरा दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था। हुमायूं के मकबरे की नकल है कौन? ये ताजमहल। क्लियर हो गया? उस्ताद अहमद लाहौरी याद कर लेना भाई, नादिरुल असर, ठीक है। एक ना इसने एक नादिरुल जमात की भी उपाधि दी थी किसी को, इसने किसको दी थी? ख्वाजा अबुल हसन को, शायद ख्वाजा अबुल हसन चित्रकार था शायद। नादिरुल जमात की उपाधि किसको दी थी शाहजहां ने? देखो बाकी इसके बाद मैं औरंगजेब के पास आ रहा हूं। औरंगजेब ने, आपको पता ही है, ललित कलाओं में कोई रुचि नहीं रखी, फिर भी उसने कुछ बना दी इमारतें। ख्वाजा अबुल हसन ना, ख्वाजा अबुल हसन को उसने नादिरुल जमात की उपाधि दी थी, ख्वाजा अबुल हसन को। और जो उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि स्थापत्यकार था किसका? ताजमहल का, उसको नादिरुल असर की उपाधि दी थी। अब मैं औरंगजेब पे आ गया हूँ। औरंगजेब ने कुछ ज्यादा नहीं बनाया, उसने मोती मस्जिद बनाई जो पूरी संगमरमर से बनी हुई है, दिल्ली में लाल किले के पास है। तो दिल्ली में लाल किले के पास की मोती मस्जिद किसने बनाई? औरंगजेब ने। जबकि आगरे की मोती मस्जिद किसने बनाई? आंसर, शाहजहां ने। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा उसने क्या बनाया? लाहौर में एक बादशाही मस्जिद बनाई। क्या बनाई? बादशाही मस्जिद। लाहौर का निर्माण किसने? लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने किया? आंसर, औरंगजेब ने। बाकी अपनी वाइफ जो कि फारस की थी, रबिया दुर्रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा किसने बनवाया? आंसर, औरंगजेब ने। ठीक है। तो औरंगाबाद में बनवाया, लेकिन इतना घटिया बनाया कि इसको फूहड़ ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। फूहड़ मतलब इतना गंदा बन गया है ना। बताते हैं कि जब आप कोई चीज कर रहे होते हो, कोई चित्र बना रहे होते हो या कोई निर्माण कार्य कर रहे होते हो, तो उसमें आपके मस्तिष्क की क्या दिखती है? क्या दिखती है? अरे भाई, आपके मस्तिष्क कैसा कार्य कर रहा वो दिखता है। किसमें? आपके निर्माण कार्य में, आपके चित्र में, आपके किसी भी काम को करने में। जब आप किसी को नहीं बोलते हैं कि मैं रफ कर रहा हूं, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो।
इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ रफ को भी फियर की तरह करो। कैसे करो? अगर आप एप्पल पाई ऑर्डर में रखते हो हर चीज, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब समझते हो? अरे भाई एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब समझते हो? नहीं समझते। जैसे आप घर गए, बस्ता इधर फेंका, एक जूता उधर फेंका, एक सॉक्स उधर फेंका, इसका मतलब आप बहुत ही अनसिस्टमेटिक और कैसे कबीलाई टाइप आदमी हो आप। कैसे हो आप? सिस्टमेटिक नहीं हो, आपके अंदर अधिकारियों वाले गुण नहीं है। यानी जब आपको कल क्या दिया जाएगा, आपको जब काम नहीं, जब आपको पावर दी जाएंगी तो आप उसका ऐसे ही दुरुपयोग करोगे, आप ढंग से नहीं करोगे उस काम को, ठीक है? इसलिए क्या करो, सिक्स थिंग्स इज रिक्विजिट टू बी अ गुड ऑफिसर। वन इज एबिलिटी, टू इज क्लीन हैंड्स, थ्री इज डिस्पैच, फोर इज इम्पार्शियलिटी, फोर इज पेशेंस, फाइव इज क्या पंक्चुअलिटी। ये सब चीजें लेके आई है अपने अंदर, अगर आपको अच्छा अधिकारी बनना है। क्या बनना है? चलो जी, अब जहां आरा की कब्र के बारे में पढ़ते हैं, भाई निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के दक्षिण में जालीदार संगमरमर के पर्दों सहित एक बिना छत का घेरा है। इस कब्र को के खोखले के ऊपरी भाग पर घास रहती है। जहां आरा के मकबरे में एक मर्म स्पर्शी लेख खुदा हुआ है, जिसका अर्थ है सिवाय हरी घास के मेरी कब्र पर किसी भी चीज से ना ढका जाए, क्योंकि केवल घास ही इस दीन की कब्र को ढकने के लिए काफी है। जहां आरा ने लिखा, बड़ी परेशान रही जहां आरा, है ना? और बहुत सारी बातें हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं शिक्षक की, वो नहीं बता सकता मैं, ठीक है? तो लेकिन जब आप डीप पढ़ोगे तो काफी कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो परेशान रही जहां आरा, उसने कहा कि इस दीन की कब्र को ढकने के लिए केवल घास ही काफी है। इसलिए कहाँ पर है इसका मकबरा? दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के आसपास कहीं पर जालीदार मकबरा है। इतना क्लियर हो गया? जहां आरा के मकबरे के समान एक छोटे आहाते में मोहम्मद शाह का भी मकबरा है। किसका? इसी आते में अकबर द्वितीय के पुत्र मिर्जा जहांगीर को भी दफनाया गया है। किसको? मिर्जा जहांगीर को भी दफनाया गया, कुछ खास नहीं। अब दरगाह कुतुब शाही, भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सूफी संत थे भाई। कौन थे? इनकी याद में कभी कुतुब मीनार बनाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, किसके नाम पर है? कुतुबुद्दीन बख्तियार, उनका उपनाम था काकी, सूफी संत थे ये। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यानी कुतुब साहिब की कब्र जो दिल्ली में स्थित है के पश्चिमी दीवार में औरंगजेब ने रंगीन टाइल जड़वाया। इस कब्र के आसपास के क्षेत्र कालांतर में कब्रिस्तान में परिवर्तित हो गए। कुतुब साहिब के आते में दफनाए गए अन्य प्रमुख लोग कौन कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम सेकंड। भाई कौन? कौन शाह आलम सेकंड? नाम सुने हो इसका? हाजी, शाह आलम सेकंड का नाम सुने हो? बक्सर का युद्ध याद है 1764, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, उधर से हेक्टर मुनरो, याद है? वही शाह आलम सेकंड। उसका मकबरा कहाँ है? कुतुब साहिब के आसपास है। कुतुब साहिब बहुत पुराने हैं, टाइल लगवाई किसने? औरंगजेब ने, रंगीन टाइल है। कुतुब साहिब तो तब मर गए कुतुबुद्दीन ऐबक के आसपास। अकबर सेकंड का भी मकबरा कहाँ है भाई? दरगाह कुतुब साहिब के आसपास है, ठीक है? बहादुर शाह सेकंड ने भी अपने लिए यही कब्र बनवाई थी, लेकिन क्या हुआ, रंगून निर्वासित हो गया, उसकी कब्र खाली पड़ी है। किस मुगल बादशाह की कब्र खाली पड़ी है? बहादुर शाह जफर की। क्यों पड़ी है? क्यों पड़ी है भाई? क्योंकि उसको रंगून में ही दफना दिया गया, रंगून निर्वासित हो गया था। तो किस मुगल बादशाह की कब्र खाली पड़ी है? तो दरगाह कुतुब साहिब के बगल में बनवाई थी इसने, किसने? बहादुर शाह जफर ने। कितना बदनसीब है जफर, तू दफन के लिए दो गज जमीन मिली कुचा यार में। चलो आगे, अब इसके बाद मैं कराऊंगा चित्रकला। क्या कराऊंगा? चित्रकला। कितने मिनट हो गए भाई? तो करा देते हैं थोड़ी बहुत चित्रकला। तो भाई मुगल कालीन चित्रकला में फारस का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद, इसका नाम याद करना है आपने, बेहजाद, इसको पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राफेल से इसकी तुलना की जाती है। राफेल जो है वो वेस्ट का है, महान चित्रकार विद्वान है ना, तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? आंसर, बेहजाद को कहा जाता है। बेहजाद कहाँ का था? फारस का था। फारस किसे बोलते हैं? ईरान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ईरान। तो फारस का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद, पूर्व का राफेल, संभवतः बाबर के समय भारत आया था। किसके समय? क्योंकि तुजुके बाबरी में एकमात्र चित्रकार बेहजाद का ही नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है तुजुके बाबरी में? बेहजाद का नाम मिलता है। इसे बाबर ने अग्रणी चित्रकार कहा है।
रहे होंगे भाई अग्रणी चित्रकार। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। किसके समय में? बाबर को टाइम नहीं मिला, आपको पता है युद्ध लड़ता रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा, चंदेरी, घाघरा, उसके बाद क्या चक्कर काटा एक, हुमायूं बीमार पड़ा था, खत्म। चलो, तो मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन काल में पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुस्समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिन्होंने मुगल चित्रकला का प्रारंभ किया या शुभारंभ किया। कौन? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद, है ना। मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद, जिसको पूर्व का रफेल कहा जाता है, का शिष्य था। अब जो मीर सैयद अली है वो शिष्य है बेहजाद का। किसका? बेहजाद का शिष्य है। बेहजाद को क्या बोल रहे हैं? पूर्व का रफेल। इतना बड़ा चित्रकार है कि रफेल से तुलना की जा रही है। तो मीर सैयद अली के साथ कौन? ख्वाजा अब्दुस्समद। चलो, मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद, जिसे पूर्व का रफेल कहा जाता, का शिष्य था। अब्दुस्समद ने जो कृतियां तैयार की उसमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है। जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है, ठीक है। अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया। उसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला। चित्रकारी के लिए अलग विभाग खोलने वाला मुगल सम्राट कौन था? आंसर अकबर था। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुस्समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं। किसमें? आईने अकबरी, जो कि अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। किसने लिखा है अकबरनामा? किसने लिखी? अबुल फजल ने। तो आईने अकबरी भी किसने लिखी? अबुल फजल ने, क्योंकि आईने अकबरी इज अ थर्ड पार्ट ऑफ अकबरनामा, ठीक है। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुस्समद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार हैं। 15 में से 13 हिंदू चित्रकार हैं। हिंदू चित्रकार भी कहीं कम नहीं थे। अब आपने याद करने हैं भाई, अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार, नंबर एक दसवंत, नंबर एक, मुझे लगता है इसने रजमनामा के चित्र बनाए। किसके? महाभारत का फारसी अनुवाद होता है रजमनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? और रजमनामा के चित्र किसने बनाए? आंसर दसवंत ने बनाए। और ये पागल होकर मरा। बाद में क्या हुआ? ये जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा खो जाते हो ना, अपने दिमाग का अत्यधिक प्रयोग करते हो, आप लोगों में किसी ने नहीं किया अभी ना, मैंने किया, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह भाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब अपने बाथ टब में लेटते थे तो 4 घंटे तक लेटे रहते थे, सोचते थे, वहीं पर वो इक्वेशन, ब्रह्मांड फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब निकाल देते थे। या एक और आदमी का नाम बोलता हूँ मैं, आपने नहीं सुना होगा उसका नाम, नौशाद। नौशाद के ये सारे हाथ जले हुए थे, ये भी जले हुए थे। क्यों जले हुए थे? हाँ जी, क्योंकि नौशाद सिगार पीते थे। क्या करते थे? सिगार पीते थे। सिगार पीते पीते गाना सोच रहे हैं कि इसको सुपर हिट करना है, हिट करना है, हिट करना है। सिगार आ गया, सिगार पूरा जल गया, उंगलियां जल गई, पता ही नहीं चला। क्या नहीं चला? वो नहीं बोलते थे कि मेरा लंच ब्रेक हो गया, मुझे खाना खाना है, बहुत जरूरी है। वो बस हिट करना है, किसको? गाने को। और इसीलिए नौशाद के गाने क्या हुए? आप आए तो ख्याले दिले नौशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। कौन कर सकता है ऐसा? नौशाद, ठीक है। फिर दूसरी जगह से पिया, वो भी जल गया। फिर तीसरी जगह से पिया, वो भी जल गया। सारे हाथ क्या हो गए? जल गए। तब बनते हैं नौशाद, है ना। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा लिखने से नहीं बनते। क्या लिखने से बनते हैं? जब आप भावनाओं को क्या करते हो? शब्द देते हो और उसको क्या करते हो? एक संगीत, एक उसमें लय में बद्ध करते हो, तब बनते हैं ऐसे। तो भाई दसवंत क्या हो गया? पागल होके मर गया। यह क्वेश्चन उत्तराखंड वालों ने पूछा कि अकबर का कौन सा अग्रणी चित्रकार पागल होके मरा? आंसर दसवंत, ठीक है। पागल नहीं था वो, दरअसल जो लोग अपने समय से आगे होते हैं लोग उन्हें क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मोहम्मद बिन तुगलक समय से आगे था, उसको लोगों ने क्या कहा? पागल बादशाह। अरे क्या कर रहा था यार वो? सांकेतिक मुद्रा ही तो चला रहा था। और आज आप सांकेतिक मुद्रा अपनी जेब में रखकर बोल रहे हो कि वो पागल बादशाह था।
आपकी जेब में जो नोट है उसमें खाली गवर्नर ने लिखा हुआ मैं आपको 500 रुपए देने का वचन देता हूँ, आपकी जेब में भी जो 500 रुपए का नोट है वो भी सांकेतिक मुद्रा है। आप क्या कर रहे हो? सांकेतिक मुद्रा चला रहे हो। कोई सोने चांदी के सिक्के थोड़े चल रहे हैं। जो वास्तविक मुद्रा होती है वो धात्विक मुद्रा होती है, जिसका मूल्य होता है। कागज का क्या मूल्य? कुछ भी नहीं है ना। और ये तो आप उस पीढ़ी के हो, आपने देख लिया, मोदी जी ने एक रात बोला 8 बजे बंद खत्म सब। क्या था वो? कागज था, लोगों ने आग लगाई उन पर नोटों पर जिनके पास ज्यादा थे। हमारे पास तो 2 ही नोट थे 500 के बस। तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन रहे? हम ही लोग रहे। 2 ही थे पर उसे आफत आ गई, क्या करने में, पेट्रोल पंप में चलाने पड़े। चलो भाई, मतलब रात को हमें, हमारे अंदर भी टेरर था कि अब इन 2 नोटों का क्या करेंगे, 2 500 के नोट का। वो तो पता चला पेट्रोल पंप में चल रहे, तो थोड़ा सा ये हो गया कि चलो ठीक है बदल जाएंगे। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 ही नोट थे मेरे पास, और भी थे, वो मेरे बैंक में थे, बैंक वाले सुरक्षित थे, है ना। अब जो क्वेश्चन बना यूपीएससी में भाई, वो बना क्या, पहले मैं बता देता हूँ। दसवंत बसावन भाई, कौन? बसावन महेश, लाल मुकुंद, सावलदास, अब्दुल समद। तो अब्दुल समद ये आपका, ये हिंदू नहीं है लेकिन हिंदू नाम सुन रहे होंगे आप, दसवंत सुन रहे हो, बसावन महेश, लाल मुकुंद, सावलदास, अब्दुल समद। अगर यहां से क्वेश्चन बनाएगा, बोलेगा कौन सा अकबर कालीन नहीं है, बीच में एक जहांगीर कालीन डाल देगा, बोलेगा कौन अकबर कालीन नहीं है। तो अकबर कालीन याद कर लो, लिस्ट याद कर लो, ठीक है। मुगल चित्रशाला में, मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगलकालीन चित्र संग्रह हमजानामा है। हमजनामा या हमजानामा, ये आईएएस का क्वेश्चन है। किसका? पहली जो चित्र संग्रह है वो कौन सा है? हमजानामा है, जो दास्तान हमीर हमजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से? दास्तान अमीर हमजा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में करीब 1200 चित्रों का संग्रह है। इस कृति में लाल, नीले, पीले, कासनी और काले रंगों के छाप मिलते हैं। 1400 चित्र 14 खंडों में। किसमें? हमजानामा को पूर्ण कराने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? कुल 50 चित्रकारों ने बनाया। क्या बनाया? 50 चित्रकारों ने बनाया। क्लियर हो गया। मुल्ला अलाउद्दीन कजविनी ने अपने ग्रंथ नफाइसुल मासिर में हमजानामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। क्या बताया है? हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। मुल्ला अलाउद्दीन कजविनी ने अपने ग्रंथ, अब एक तो आपने ग्रंथ याद रखना भाई, नफाइसुल मासिर को हाईलाइट करना है, आपने अलाउद्दीन कजविनी का नाम हाईलाइट करना है, साथ में हमजानामा को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। ये क्वेश्चन शायद उत्तर प्रदेश या यूपीएससी में से किसी ने बना चुकी है, इसलिए मैंने कहा दोबारा बन सकता है, बोर्ड लेटर्स में लिखा है ना, तो याद करना है आपने, ठीक है। हमजानामा पांडुलिपि के चित्रों की विशेषताएं, विदेशी या विजातीय पेड़ पौधे, उनके रंग बिरंगे फूल पत्तों, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियां, साजो सामान के साथ साथ स्त्री आकृतियों एवं अलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी एवं उत्तर भारतीय चित्रकला के लक्षण यत्र तत्र मिलते हैं। अमीर हमजा पैगंबर मोहम्मद के चचा थे। क्या थे? पैगंबर मोहम्मद साहब के चचा का नाम क्या था? अमीर हमजा। इसीलिए इसका नाम है दास्तान अमीर हमजा। कितने चित्रों का संग्रह है? 1200 चित्रों का संग्रह है। कभी कभी इसको हमजानामा भी कहा जाता है, ठीक है। तो मुगल कालीन प्रारंभिक चित्र संग्रह कौन सा है? आंसर हमजानामा। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद मैं हर राजा के समय के चित्रों को और चित्रकारों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। कितना हो गया समय? ठीक है, इतना काफी है।